हेलो एवरीवन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी आर माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टू इंग्लिश अरिहंत वर्कबुक का यूनिट सिक्स का चैप्टर वन मिस्टर नोबडी तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और अगर आपके पास वर्क नहीं है तो मैंने वर्क का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आपको वन से ले कर तक सारे वर्कबुक मिल जाएंगे आप एमेज़ोन से जाके इजीली खरीद सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं मिस्टर नो बडी टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन में टिक लगाना है मिस्टर नो बडी इज फनी लिटिल बिग या फनी एंड लिटिल क्या है तो फनी एंड लिटिल टिक लगा देंगे मिस्टर नो बडी इज एज क्वाइट एज अ ट्रोकोडाइल माउस साइमेन या फिर हाउस तो माउस इसमें टिक लगाएंगे नो बडी क्रिएट्स मिस चिप अपार्ट फ्रॉम मिस्टर एवरी बडी मिस्टर एनी बडी मिस्टर नो बडी या चिल्ड्रेन तो मिस्टर नो बडी इसमें टिक लगाएंगे और डेज दैट एवरी प्लेट वॉज ब्रोकन बाय मिस्टर नो बडी तो क्या होगा इसमें एग्री अवे डिस एग्री या प्रे तो एग्री होगा एग्री में टिक लगाएंगे ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वॉज ब्रोकन बाय मिस्टर नो बडी इसमें आप एग्री लिख देंगे ठीक है फिल इन द ब्लैक्स टू कम्प्लीट द पोएम विद द सुटेबल वर्ड्स गिवन इन बॉक्स अब देखिए यह बॉक्स में दिया गया है वर्ड्स अब इसमें जो सूटेबल है उसे आपको फिल करना है ठीक है आई नो अ फनी लिटिल मैन एज फाइट एज अउस हु डज़ द मिस चिप दैट इज डन इन एवरी बडीज हाउस ठीक है के बाद है रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड एंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो अब देखिए नीचे जो स्टेंजा लिखा हुआ है उसे अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है देर इज नो वन ईवर सीज हिज फेस एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रेक्ड बाय मिस्टर नो बडी ठीक है अब देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन कि वॉट हैज़ नो वन एवर सीन तो किसने किसी को जैसे नहीं देखा है तो किसको नहीं देखा किसको नहीं देखा गया है तो देखिए मिस्टर नोबडी मिस्टर नोबडी को किसी ने नहीं देखा है ठीक है हु क्रैक ऑल द प्लेट्स किसने सारे प्लेट्स तोड़ डाले तो मिस्टर नोबडी ठीक है इसके बाद है राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीज एज़ यूज इन द पैसेज अब देखिए यहाँ पर जो है ना मीनिंग लिखना है जो पैसेज में यूज़ किया गया है सीज वर्ड सीज वर्ड का क्या होगा मीनिंग लुक एट ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम गिव एंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन अब यहाँ पर आपको पोएम के बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर लिखना है हु इज़ मिस्टर नो बडी नोबडी नो बडी कौन है तो स्ट्रॉन्ग मैन बिग मैन या लिटिल मैन कौन है तो लिटिल मैन है इज दीज़ अस्टर नो बडी इन योर हाउस क्या आपके भी घर में कोई मिस्टर uh, नोबडी है तो यस yes, अगर है तो आप येस yes लिखेंगे ठीक है ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं विथ हुम डज़ द पॉइंट कंपेयर मिस्टर नोबडी ठीक है अब यहाँ पर पूछा जा रहा है जो पॉइंट uh, है ये नो मिस्टर नोबडी का कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो माउस के साथ कैट या रैबिट uh, के साथ तो माउस के साथ माउस लिखेंगे हु डज़ मिसचिप इन दाउस तो देखिए इसमें मिसचिप घर में मिसचिप कौन कर रहा है तो कौन कर रहा है चाइल्ड माउस या फ्रेंड तो माउस कर रहा है ठीक है यानी कि बदमाशी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस इन सर्कल द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग अब यहाँ पर देखिए जो नीचे दिया गया है ना ये सारा इसमें आपको जो करेक्ट वर्ड है उसमें आपको सर्कल लगाना है ठीक है तो देखिए यहाँ पे फनी है तो इन तीनों में फ़नी कौन सा है ये वाला सही है बी नंबर का एफ यू डबल एन वाई फनी इसमें हम सर्कल करेंगे उसके बाद है क्वाइट क्यू यू आई ई टी क्वाइट इसमें सर्कल होगा मिस चिप एम आई एस सी एच आई ई एफ मिसचिप इसमें हम लगा देंगे उसके बाद एवरी बडी तो ई वी ई आर वाई बी ओ डी वाई एवरी ये वाला सही है इसके बाद एग्री, एगरी ए जी आर डबल ई एग्री ये वाला सही है इसमें हम सर्कल करेंगे ठीक है उसके बाद है कंप्लीट द लेबलिंग यूजिंग ए आई ओ यू एंड यू ए आई ओ एंड यू अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना इसमें आपको फिल करना है और इसे कंप्लीट करना है ठीक है तो जैसे यहाँ पर मिसिंग वर्ड है तो यहाँ पर क्या होगा हेयर एच ए आई आर ठीक है इसके बाद ये वाला है टाई टी आई ई टाई स्कूल बैग ये वाला जो है ठीक है ये क्या है बैट बी ए टी बैट और ये वाला है शूज़ एस एच ओ एस शूज़ और ये वाला है एस ओ सी के एस सॉक्स एस ओ सी के एस ठीक है इस तरीके से आपको बना लेना है तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू तो वॉच माई वीडियो